हर एक व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। वह व्यक्ति चाहता है जो घर वह बना रहा है उसमें बरकत हो, घर के सदस्य जो उसमें रह रहे वह स्वस्थ रहे और किसी प्रकार का कोई कलह न हो। घर में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति के कारोबार में वृद्धि हो, या व्यक्ति नौकरी करता है तो उसमें उसकी तरक्की हो, उसे पदोन्नति मिले, उसकी वेतन वृद्धि हो, साथ ही साथ व्यक्ति के सभी अनिष्टों का निवारण हो। इस कामना के साथ व्यक्ति अपने घर का निर्माण करता है। लेकिन जो भी व्यक्ति समझदारी के साथ कुछ बातों को याद रखकर अपना घर बनाता है तो उस व्यक्ति को तो इस प्रकार की सभी चीजें प्राप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों को नजरअंदाज कर देता है उस व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति को अपने नए घर में प्रवेश करने के बाद बहुत बड़ी आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, व्यक्ति को व्यापार में घाटा होता है, नौकरी में व्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन पाती, घर में कलह का माहौल रहता है, या अनेक प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। तो इसका यही एक कारण है कि जो भी व्यक्ति इन बातों को नजरअंदाज करता है। आज की वीडियो बहुत खास होने जा रही है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे और एक एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में एक ही बार अपनी जमा पूंजी लगाकर अपना घर बना पाता है। तो उस घर से उस व्यक्ति को जो उम्मीदें रहती हैं, अगर वह उम्मीदें उसकी पूरी ना हो पाए, इसके विपरीत और अधिक नुकसान व्यक्ति का हो जाता है, तो व्यक्ति का जीवन नरक सा बन जाता है। तो इसीलिए अपना घर बनाने से पूर्व हम जिस तरह से एक अच्छे मिस्त्री, अच्छे मेटेरियल, अच्छे स्थान की तलाश करते हैं, उसी तरह से हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका एक आदर्श घर हो। आजकल आबादी के बढ़ते या पश्चिम के अनुसरण के चलते लोगों ने फ्लैट पर रहना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र का पालन नहीं करता। इसके अलावा आजकल कई ऐसे वास्तुशास्त्री हैं जो घर की दशा या दिशा को बदले बिना घर को वास्तु दोष से मुक्त करने का दावा करते हैं। इसके लिए वो घर में रखी हुई वस्तुओं को इधर से उधर कर या किसी प्रकार का हवन करवा कर वास्तु दोष दूर करने का दावा करते हैं। लेकिन यह कितना सत्य होता है यह वह व्यक्ति स्वयं जानता है, क्योंकि आजकल जो है वास्तु के नाम पर लोगों में अंधविश्वास फैलाया जाता है, जिसके कारण कुछ वास्तुशास्त्री इसका गलत उपयोग कर अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। अगर हमारा घर अच्छी अनुकूल स्थिति में होता है तो व्यक्ति को सुकून की नींद आती है, उसमें रहने वाले सदस्यों का सेहतमंद शरीर बना रहता है और उस घर में व्यक्ति को भरपूर भोजन, भरपूर प्यार, अपनत्व पाता है। अगर यह सब चीजें उस घर में व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती है तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के घर में जरूर वास्तु दोष है। तो इसलिए बाद में परेशानी उठाने से पहले हमें पूर्व में ही कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि घर है तो परिवार है, परिवार है तो संसार है। व्यक्ति का पहला लक्ष्य मजबूत और वास्तु दोष से मुक्त घर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आप अपने घर के निर्माण से पूर्व सुनिश्चित कर लें और आगे आने वाले समय में एक खुशहाल जीवन बिता सके। सबसे पहली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, घर की दिशा पूर्व, ईशान या उत्तर दिशा का होना चाहिए। हालांकि बहुत से वास्तुशास्त्री मानते हैं कि चार दिशाओं में ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम दिशा में घर का द्वार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा यह मानना है जिसमें पूर्व, ईशान और उत्तर दिशा में ही घर का द्वार होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर, पूर्व इसलिए कि पूर्व से सूर्य का उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, उत्तर इसलिए कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाएं अच्छी होती है और इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव से आने वाली हवाएं अच्छी नहीं होती है, क्योंकि घर बनाने से पूर्व हवा, प्रकाश और ध्वनि के आने के रास्तों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है।
दूसरी जो बात है, भूमि का ढाल, सूर्य हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसलिए हमारी वास्तु का निर्माण सूर्य के परिक्रमा को ध्यान में रखकर किया गया है। तो हम अगर घर में भी इस चीज को अप्लाई करें तो यह हमारे लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। तो सूर्य और चंद्र की परिक्रमा के अनुसार ही धरती पर मौसम संचालित होता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव धरती के दो केंद्र बिंदु हैं। उत्तरी ध्रुव वह जहां बर्फ से पूरा ढका रहता है, दक्षिणी ध्रुव एक ठोस धरती वाला क्षेत्र है जो अटलांटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इन ध्रुवों में मानवों की बस्ती नहीं है। इन ध्रुवों के कारण ही धरती का वातावरण संचालित होता है। उत्तर से दक्षिण की ओर ऊर्जा का खिंचाव होता है। शाम ढलते ही पक्षी उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए पूर्व उत्तर एवं ईशान की ओर जमीन का ढाल होना चाहिए। उत्तर दिशा में घर की सबसे ज्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी और वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। यदि घर का द्वार भी इस दिशा में है तो यह और अधिक उत्तम है। दक्षिण दिशा से संबंधित, दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर के इस स्थानु में भारी सामान होने चाहिए। यदि इस दिशा में द्वार या खिड़की है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा और ऑक्सीजन का लेवल भी कम रहेगा, इससे ग्रह कलेश बढ़ता है। घर की पूर्व दिशा से संबंधित, पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक व ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करते हैं। यदि घर का द्वार इस दिशा में है तो यह तो बहुत उत्तम है। अगर द्वार इस दिशा में नहीं है तो आप इस दिशा में खिड़की जरूर रखें। उत्तर पूर्व की दिशा यानी ईशान कोण, इस स्थान को जल स्थान भी कहा जाता है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि का होना बहुत शुभ माना गया है। अगर इस दिशा में आप घर का द्वार बनाते हैं तो वह तो सोने पर सुहागा है। बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की, इसे वायव्य दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में बेडरूम, गैरेज या गौशाला का होना अच्छा माना गया है। बात करते हैं दक्षिण पूर्व दिशा, इस दिशा को अग्नि कोण कहते हैं। यह अग्नि तत्व की दिशा है। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर आदि होना चाहिए। जो अंतिम दिशा है वह है दक्षिण पश्चिम दिशा। इस दिशा को नैऋत्य दिशा भी कहा जाता है। इस दिशा में खुलापन अर्थात खिड़की या दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप घर के मुखिया का कमरा इसी स्थान पर बना सकते हैं। कैश काउंटर, मशीनें आदि भी आप इस स्थान पर रख सकते हैं। तीसरा नियम है घर का आंगन। अगर घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा माना गया है। घर के आगे और पीछे छोटी सी ही सही, लेकिन आंगन होना चाहिए। प्राचीन हिंदू घरों में बड़े बड़े आंगन बनते थे, लेकिन शहरीकरण के चलते हुए अब आंगन बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। आप आंगन में कई प्रकार के वृक्ष लगा सकते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो इसलिए घर में आंगन का होना बहुत आवश्यक है। चौथा जो नियम है, स्नान घर और शौचालय। घर में या घर के आंगन में टॉयलेट और बाथरूम बनाते वक्त वास्तु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव के कारण घर का वातावरण बिगड़ सकता है। स्नान घर में चंद्रमा का वास होता है और शौचालय में राहु का वास माना जाता है। शौचालय और बाथरूम को एक साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यह समझ लीजिए चंद्र और राहु का एक साथ होना, यह भी ग्रह कलेश को बढ़ाने वाला होता है। शौचालय घर के नैऋत्य कोण यानी पश्चिम दक्षिण दिशा में होना चाहिए और स्नान घर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। अगर नहाते समय हमारा मुंह उत्तर या पूर्व की ओर हो तो यह बहुत लाभदायक माना गया है। पांचवा जो नियम है, घर में पूजा घर। घर में पूजा के कमरे का स्थान सबसे अहम होता है। इस स्थान में हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। यह स्थान सबसे अच्छा होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से पूजा घर का घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। छठा जो नियम है, शयन कक्ष। शयन कक्ष अर्थात बेडरूम, यह भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह सुकून और शांति भरा होना चाहिए। घर का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और शयन कक्ष में हमेशा सर दीवार से छटाकर सोना चाहिए। पैर दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर करकर नहीं सोना चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा की ओर पैर करकर सोने से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है।
सातवां जो नियम है अध्ययन कक्ष पूर्व उत्तर ईशान और पश्चिम के मध्य अध्ययन कक्ष को बनाना बहुत शुभ माना गया है और अध्ययन कक्ष में पूर्व या उत्तर की ओर मुंह कर ही बैठकर अध्ययन करना चाहिए। आठवां जो नियम है रसोई घर जिसे हम अन्नपूर्णा का वास भी मानते हैं यह एक अहम स्थान माना जाता है। घर में दरिद्रता इस स्थान के दूषित होने से बढ़ जाती है इसलिए रसोई घर हमेशा सही दिशा में बनाना चाहिए। रसोई घर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्वी दिशा माना गया है जो कि अग्नि का स्थान होता है। दूसरी वरीयता उत्तर पश्चिम दिशा को दी गई है। नवा जो नियम है अतिथि कक्ष वास्तु के अनुसार अतिथि कक्ष हमेशा वायव्य कोण में होना लाभदायक माना गया है। इसका कारण इस दिशा के स्वामी वायु होते हैं तथा इस दिशा के ग्रह चंद्रमा को माना गया है। वायु एक जगह नहीं रह सकती और चंद्रमा का प्रभाव मन पर पड़ता है इसलिए वायव्य कोण में अतिथि ग्रह होने से अतिथि तो कुछ ही समय तक रहता है तथा पूर्ण आदर सत्कार पाकर लौटता है जिससे पारिवारिक मतभेद पैदा नहीं होते हैं। दसवां जो नियम है भूमि का चयन मकान के लिए भूमि का चयन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि शुरुआत तो हम वहीं से करते हैं। भूमि कैसी है और कहां पर है यह देखना बहुत जरूरी है। भूमि अगर वास्तु के अनुसार है तो आपके मकान का वास्तु भी अच्छे फल देने लगेगा। तो यह आजकल के समय में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए अपने घर के निर्माण के संबंध में बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि हर किसी को अपना घर बनाना है तो वह अगर सुनियोजित तरीके से अपना घर बनाए तो यह काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर कीजिए। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की यूजफुल जानकारियां आपको हर हमेशा प्राप्त होती हैं। और वीडियो को शेयर भी आप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।